जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हंट टाइम्स के एक नए एपिसोड में। सैमसंग गैलेक्सी F13 आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट है, जिसका प्राइस है 12,000 रुपए। फिर 4+128 है 13,000 रुपए। देखो यार, 12,000 रुपए के हिसाब से सैमसंग का फोन आपको मिल जा रहा है और बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी ये दे देता है। सैमसंग के नजरिए से कह रहा हूँ, कितने में बिका जैसे कह रही है। सैमसंग अपने एंटी लेवल के स्मार्टफोन्स में इतने सारे अच्छे स्पेसिफिकेशंस नहीं देता है, जैसे कि 50:5:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप जो स्पेशल बना देता है इसको, 6000mAh बैटरी, तो जिन लोगों को बड़े बैटरी का शौक है उनका भी शौक पूरा हो जाएगा। वो बात अलग है कि बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा आपको, वो तो सैमसंग का स्टाइल है, क्या कर सकते हो, स्टाइल बना रहा है, सब लोग कॉपी कर रहे हैं। देखो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सैमसंग का ब्रांड वैल्यू आपको मिल जाता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये फोन खरीद लो, बस ये कह रहा हूँ कि ये फोन अच्छा है सैमसंग के नजरिए से कह रहा हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको खरीदो, क्योंकि बहुत अच्छे सारे और फोन्स अवेलेबल हैं। Redmi Note 11 हो गया, Moto G52, Poco M4 5G, अच्छे अच्छे फोन्स हैं। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है, ये जो फोन अभी दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये है Moto H30 Lite। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं ऑलरेडी बार बार आपको बताते हुए आता रहता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ यार, कंफ्यूज तो हो ही जाऊंगा। बात तो सही है। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस आपको साइड में दिखा देता हूँ, देख लेना। अब देखो यार, यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। Moto H30 Fusion आपको 23-24 हज़ार रुपए के आसपास दिखाई देगा और Moto H30 Lite भी आपको 23-24 हज़ार रुपए के आसपास दिखाई देगा। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन ही इंडिया में आएगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स काफी कुछ हद तक सेम स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं और Moto H30 अभी भी है गेम में, 25-26 हज़ार रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा वो फोन। तो मुझे नहीं लगता कि Motorola कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दो फोन्स को सेम स्पेसिफिकेशंस वालों को लॉन्च कर देगा सेम प्राइस रेंज के आसपास। Nothing Phone 1 का आज ऑफिशियल प्राइस पता चल गया है, बता दूं। ₹1.56 लाख। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में इस फोन का करंटली प्राइस चल रहा है 1.56 लाख रुपीस। अगर आपको ये फोन खरीदना है तो आपको 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। स्टॉक एक्स पे आज 21 तारीख है ना, तो Nothing Phone 1 के 100 पीसेस गए थे, तो सभी लोग बोली लगाए। जैसे जैसे पीस खत्म होते हुए गए, वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते चले गए और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा वाला जो बोली लगा है ना, वो 1.56 लाख रुपीस का ही है। जरा सोच के देखो, वो जो बंदा है वो 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसा दिया Nothing Phone 1 खरीदने के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। दैट मींस आपको 1.56 लाख रुपीस से भी ज्यादा का बोली लगाना पड़ेगा, तब आपको ये फोन मिलेगा 12 जुलाई से पहले। देखो यारो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये 100 यूनिट से बोली लगाए, सब अमीर लोग खरीदे इसको, अपना इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं तो आपको ऐसे ही बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन था। लेकिन जो रियल इसका प्राइस होगा, इसके क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, ये फोन कैसा दिखाई देता है, कल रात को आपका भाई डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड किया है, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, सारा आपका जो भी क्वेश्चन है सारे आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। Redmi K50S सीरीज के फोन्स भी आने वाले हैं, क्योंकि Redmi K50S Pro आज MIIT सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, मतलब कि हम लोगों को इस साल के अंत तक Redmi K50S सीरीज के फोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। याद रखना, Xiaomi 12S सीरीज के फोन्स का बात नहीं हो रहा है, Redmi K50S सीरीज का बात हो रहा है। डीजो का वायरलेस चार्जर भी आने वाला है, देख लो उसके रेंडर्स आ चुके हैं। आप इसको Realme का भी वायरलेस चार्जर कह सकते हो, क्योंकि भाई डीजो का है तो भाई किस फोन में यूज होगा, Realme GT सीरीज के जो फोन्स हैं वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट उन्हीं में ये यूज होगा और क्या। Xiaomi 12 Ultra के तरफ से बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आ चुके हैं। पहली बात तो Xiaomi 12 Ultra आपको जुलाई के सेकंड वीक के आसपास तक चाइना में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे रूमर्स आए हैं। आई होप सो कि ऐसा ही हो, क्योंकि जितने जल्दी ये चाइना में लॉन्च होगा उतने जल्द से जल्द ये इस साल के अंत तक इंडिया में भी आ जाएगा। और Xiaomi 12 Ultra का मैं आपको व्हाइट कलर वाले वर्जन का एक फैन मेड लाइव इमेज दिखाया था, जिससे आपको फोन कैसा दिखाई देगा उसका अंदाजा मिल गया था। वैसे ही दोस्तों, आज एक ब्लैक कलर वेरियंट का भी एक लाइव इमेज आ चुका है, फैन मेड है, आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो, आपको पता चलेगा कि ब्लैक कलर वेरिएंट कैसा दिखाई दे सकता है। तो आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो? और Xiaomi 12 Ultra का प्राइस होगा 90,000 रुपए से ऊपर, आई होप सो कि 90,000 रुपए के आसपास हो। PUBG Battlegrounds को लेके बहुत ही ऑसम अमेजिंग अपडेट आ चुका है। याद रखना, मैं BGMI की बात नहीं कर रहा हूँ, जो PC consoles में खेला जाता है, PUBG Battlegrounds की बात कर रहा हूँ। एक नया मैप आने वाला है जिसका नाम है Destin, जहाँ पर आपको नए नए एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप के और थोड़े से अपने जो इस वक्त के व्हीकल्स हैं वैसा कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और बहुत ही ऑसम गन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियस ही बात है यार, नया मैप है तो अपने को सब कुछ नया ही देखने को मिलेगा। आई होप सो कि ये इरेंगल टाइप का हो। वैसे आप बताना आपके क्या क्या उम्मीदें हैं इस Destin मैप को लेके, और
और आई होप सो कि जल्दी से मोबाइल के लिए भी अवेलेबल हो जाए, BGMI में भी आ जाए। अच्छा लगता है जब भी कोई नया मैप आता है। तो वैसे आप बताना आपका फेवरेट मैप कौन सा है, मुझे तो सबसे अच्छा मीरामार लगता है। क्रिस इवेंस सर को तो हम सब लोग जानते हैं, कैप्टन अमेरिका का रोल करते थे यार। अगर मैं आपसे कहूं कि वो वापस से मार्वल में आने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप लोग क्या कहोगे? ये बहुत औसम बात है, हम फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है यार। लेकिन ट्विस्ट ये हो जाता है ना कि वो कैप्टन अमेरिका का रोल करने में इंटरेस्टेड इतना नहीं है। वो कहे कि अगर कैप्टन अमेरिका का रोल करने वो वापस आएंगे तो कुछ बहुत बड़ा औसम मार्वल को करना पड़ेगा तो ही वो रिटर्न करेंगे। अदरवाइज वो इंटरेस्टेड है ह्यूमन टॉर्च का रोल करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो फैंटास्टिक फोर वापस से मार्वल में चुका है, उसका एक मूवी बन रहा है, वेब सीरीज वगैरह जो भी बन रहा है, उसके अंदर में एक आग जलने वाला व्यक्ति होता है, तुम लोग देखे होंगे। पुराने फैंटास्टिक फोर में क्रिस इवेंस ह्यूमन टॉर्च का रोल किए थे सबसे पहले, आप एक तरह से कह सकते हो। तो वापस से ये जो नया फैंटास्टिक फोर आ रहा है उसमें भी वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भैया मुझे ह्यूमन टॉर्च का रोल करना है, अगर आप कहोगे तो मैं करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऐसा देखना कि क्रिस इवेंस वापस से मार्वल में आएंगे लेकिन ह्यूमन टॉर्च का रोल करने के लिए। बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि पहले भी वही करते थे। आप बताओ आपको एक्सेप्टेबल है ये कि वो कैप्टन अमेरिका का रोल नहीं करेंगे ह्यूमन टॉर्च का करेंगे? मैं तो बहुत ज्यादा उनको देख के खुश हूंगा। स्टीम समर सेल चालू होने वाला है, कल सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगा। अगर आप अपने कंसोल्स के लिए कुछ अच्छे गेम्स को खरीदने का सोच रहे थे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, तो कल तैयार रहना स्टीम के वेबसाइट पे। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन, इस गेम का आप लोग इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, इस साल के सितंबर तक अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ये जो गेम है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का सक्सेसर है, और आप तो जानते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल कितना ऑसम गेम है, हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं उसको। तो इसका सक्सेसर जो है, इसके रिक्वायरमेंट्स आ चुके हैं, देख लो कि आपके फोन में क्या क्या होना चाहिए। स्नैपड्रैगन 730G होना चाहिए आपके फोन में, 4GB रैम वगैरह हो जाना चाहिए, एंड्रॉइड 12 पे होना चाहिए, एंड्रॉइड 11 पे भी चल जाएगा, मतलब थोड़ा सा ग्लिच कर सकता है, लेकिन नया एंड्रॉइड वर्जन होगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं ना, 2GB रैम, 3GB रैम फोन भी होगा चल जाएगा, आपका टेंशन मत लो। हां थोड़ा सा लैग करेगा लेकिन चल जरूर जाएगा, तो इतना टेंशन मत लो कि आपके फोन में नहीं चलेगा, चल जाएगा। Huawei Nova 10 सीरीज के फोन्स बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होंगे, पोस्टर्स बाहर आ चुके हैं भाई, देखने में फोन्स काफी अच्छे लग रहे हैं, और Huawei के फ्लैक्सी फोन्स काफी अमेजिंग होते हैं, उनके कैमरास काफी फाड़ू होते हैं। अब देखते हैं भाई, कुछ अगर पता चलता है तो बताऊंगा। MediaTek ने आज अपने नए फ्लैक्सी प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है, सबसे एकदम पावरफुल प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9000 प्लस। देखो यार, बेसिकली जो MediaTek 9000 है ना, उसको ओवरक्लॉक कर दिया MediaTek बस, GPU में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया, बस यही सब करके वापस से लॉन्च कर दिया है। देखो यार MediaTek, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्रोसेसर ऑलरेडी इतने स्टेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम पे ये सब चीजें शोभा नहीं देती है। Qualcomm करता है तो ठीक लगता है, Qualcomm में प्रॉब्लम वगैरह थोड़ा सा दिखता है Qualcomm को, तो एक नया प्लस लगा के लॉन्च कर देता है, लेकिन तुम मत करो यार, तुमको ये सब चीजों की कहां जरूरत है, तुम तो यार नंबर वन पे हो। मतलब आप किसी बात से खुशी नहीं होंगे क्या हमारी? OnePlus Nord 2T का नया लॉन्च डेट और नया सेल डेट आ चुका है। अभी 5-6 दिन पहले ही पता अपने को चला था कि 27 जून को लॉन्च हो जाएगा ये फोन इंडिया में, लेकिन अब डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 जुलाई को ये फोन लॉन्च होगा इंडिया में और 5 जुलाई को इसका सेल रहेगा। पता नहीं OnePlus क्या कर रहा है, इसको लॉन्च कर देना चाहिए, इतना अब तरसाओ मत यार पब्लिक को कि पब्लिक फिर तुम्हारे से उम्मीद ही छोड़ दे, इंटरेस्ट खत्म कर ले अपना। पोको के तरफ से बहुत ही ऑसम अपडेट आया है, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। पोको F4 का लॉन्च हो रहा है, जो भी बंदा पोको F4 खरीदेगा उसको 1 साल का वारंटी नहीं मिलेगा, उसको 2 साल का वारंटी मिलेगा, जो बहुत अमेजिंग बात है। और पोको X3 प्रो यूजर्स के लिए 6 महीने का वारंटी बढ़ा दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा अपडेट है। विद दैट बिंग सैड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.